गुड मॉर्निंग दोस्तों, बज रहे हैं 8:15 और मैं उठ चुका हूँ यहाँ पर। और अभी आपको रूम टूर दे देता हूँ, किस तरह का रूम है यहाँ पे। ये डॉर्मेट्री है जिसमें कि 3 बेड हैं, 6 बंदे रुक सकते हैं। और ये बाथरूम है, इस वाले में छोटा है, जब मैं पहले रुका हूँ वो थोड़ा बड़ा बाथरूम था। एसी भी है यहाँ पे और छोटी सी बालकनी। बालकनी से इस तरह का व्यू आता है होटल अमन पैलेस और इस तरफ कैंप का, उस तरफ कैंप है, नाम भूल गया हूँ। उस तरफ रिवर गंगा दिख नहीं रही है, लेकिन उस तरफ रिवर गंगा के उस तरफ वाले पहाड़ भी दिख रहे हैं। सूरज निकलने वाला, थोड़ा मौसम खराब है हल्का सा, तो बादल अड़ रहे हैं। और ये वाला जो नदी देख रहे हैं आप, ये आ रही है उधर से। ये अभी बिल्कुल अप्रैल मंथ में बिल्कुल बहुत थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा है, बहुत हल्का हल्का सा। पिछली बार आया था बहुत अच्छा पानी चल रहा था। और एक घंटे बाद निकलते हैं नेपाली भाई के रेस्टोरेंट से, वहां तो कुछ खाएंगे और फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। हो रहे हैं 9:05 और आई एम ऑल रेडी। अब जाते हैं बाइक उठा के कहीं पे, वहाँ पे नेपाली भाई के रेस्टोरेंट में। लेकिन सुबह तक उनके पास सैंडविच वगैरह ही मिलेंगे, क्या मिलेंगे मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिर मैं सोच रहा हूँ मोनी बाबा की गुफा जाता हूँ, जो कि यहाँ पे सबसे डेंजरस एरिया है, जहाँ सबसे ज्यादा हाथी है। स्वर्ग आश्रम के पीछे मोनी बाबा की गुफा, जो नीलकंठ ट्रैक जा रहा है वहीं भी मोनी बाबा की गुफा पड़ती है। उसको थोड़ा सा चलूंगा मैं, हल्का सा थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर कर लेता हूँ क्या हिसाब है वहाँ पे। राहुल भाई का भी कॉल आ जाएगा, यहाँ पे सिग्नल नहीं है मोबाइल के। थोड़ा सा नीचे शहर की तरफ जाऊंगा तो सिग्नल भी आ जाएंगे। हिल होपर स्टिल के सामने बिल्कुल रजत की, और रजत चला गया छोड़ के। तो रिवर्स साउंड लाल, नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं, बिलियर्ड्स की टेबल लगाई है। लाल मैं हूँ सामने वाली प्रॉपर्टी में, सामने रात में स्टे किया था हिल होपर्स में। और उसके सामने जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी दिखाई थी वो ये वाली है। ये हिल होपर्स की बिल्डिंग है पूरी, ये इनका गार्डन। मुझे तो इस पर चलते हुए डर लग रहा है भाई, कहीं ये नीचे ना निकल जाए, मेरे में वजन काफी है। पहले जो लड़का रजत था उसने तो यहाँ पे कैंप वगैरह भी बिछाए हुए थे, दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये स्पेस है छोटा सा, इतना प्यारा। चलिए नीचे चलते हैं। मेन्यू बनवा लिया आपने भैया? जो ओनर है भैया यहाँ पे विजेंद्र नेगी जी, इनका घर बराबर में ही है। मैं वो रूम भी देख लेता हूँ। पहले तो कंस्ट्रक्शन हो रहा था इनके घर में, लेकिन अभी फिलहाल इन्होंने कंस्ट्रक्शन पूरा कर दिया। इन्होंने वहाँ भी रूम चल गया, और जहाँ पे लड़का था रजत वो तो चला गया छोड़ के। तो भैया यहाँ पे कैफे खोलेंगे फिलहाल। अगली बार आऊंगा तब आपके मेन्यू भी दिखा दूंगा। अगर आपको यहाँ रुकना है, टाइम पास करना है, स्विमिंग पूल में नहाना है, तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। ये पूल है भाई, बहुत अच्छा लगता है जब बन जाता है। ये है पूरा हिल होपर्स, और इसके सामने रिवर साउंड कैफे, और इधर ही तुलसी रेस्टोरेंट है, एक फेमस रेस्टोरेंट के पीछे ये कहीं। और यही रास्ता ऊपर तपोवन में जा रहा है, इतना प्यारा पीपल का पेड़। और जिनका ये है नेगी भैया का, इनका ही ये बिल्डिंग है जो इन्होंने नई न्यू कंस्ट्रक्ट की है। अभी रूम देख लेता हूँ कैसे है यहाँ पे। और स्काई हाई हॉस्टल भी इधर ही है, ये पूरा तपोवन। बाथरूम तो काफी बड़ा बनाया भैया ने, रूम भी ठीक है। यहाँ पे टोटल 4 कमरे हैं, किचन वाला भी बना दिया। यहाँ से बैक साइड का ऐसा व्यू है इस रूम से, किचन वाले रूम से। 11:15 बज चुके हैं, लेकिन मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है। द रिवर साउंड कैफे में भैया से काफी देर बात हुई। देखिए भाई यहाँ से राम झूला का इस तरह से लुक आ रहा है। मैं पीछे की तरफ जो मंदिर देख रहे हैं भूतनाथ टेम्पल, वहाँ पे जाने की सोच रहा हूँ। और इसके पीछे का ये एरिया है मोनी बाबा की गुफा जा रहा है, पूरा नीलकंठ ट्रैक जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक घूम के आ जाऊँ, पूरा नहीं मतलब मोनी बाबा की गुफा तक पीछे का एरिया देख लेता हूँ थोड़ा सा। और भाई गंगा में देखो कितना कम पानी आ रहा है आजकल। और सामने एक कैफे है वहाँ पर, वो रहा उस तरफ, मैं सोच रहा हूँ इसमें देख लेता हूँ क्या मिलता है। थोड़ा बहुत देर वहाँ पे बैठ लाता हूँ, खा पी लेता हूँ, और नहीं तो कहीं और खाता पीता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर जाकर, कंफ्यूज। नेपाली भाई रेस्टोरेंट बंद है, देखते हैं कहाँ पे नाश्ता करूंगा मैं। ब्रेकफास्ट करने में आया हूँ राम झूला के पास, गीता भवन मिठाई दुकान पर। ये भाई नान खटाई बना रहे हैं मेरठ वाली। ये पूरी सब्जी मिलती है यहाँ पे 25 रुपए की, कचौरी 10 रुपए की, नारियल बर्फी, अंजीर कतली। मैंने लिए 10 रुपए की जलेबी और एक पूरी सब्जी 25 की, टोटल 35 रुपए का खर्चा हुआ है। कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था भाई, नान कटाई वाले भैया मिल गए, थोड़ी सी नान कटाई खा लेते हैं। तो मैं फाइनली ऐसी उस जगह पे पहुंच गया हूँ जो नीलकंठ पैदल मार्ग है, मोनी बाबा की गुफा भी जा रहा है। लिखा भी है सावधान, राजा जी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आपका जान माल का खतरा भी हो सकता है। नीलकंठ महादेव जाने का पैदल मार्ग, वहाँ पे कुछ बाबा दिख रहे हैं, एक झोपड़ी है, लंगूर है, उधर चलते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पे मतलब महसूस हो रहा है डेंजर, मतलब हाथी का गोबर भी है वहाँ पे पड़ा हुआ। महसूस करो चिड़िया की आवाज़ को, वुडपेकर। तो मैं रोड से ऊपर अपनी बाइक लेके ही आ गया। यहाँ पे काफ़ी प्यारे लंगूर हैं, ये देखो किस तरह से बोल रहे हैं। भैया मोनी बाबा की गुफा कितनी दूर होगी यहाँ से? 1.25 किलोमीटर आ गए। 1.25 किलोमीटर, अभी तो कोई दिक्कत नहीं जाने में? ना ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो मोर बोल रहे हैं भाई उधर से, तो बाइक तो इधर ही आगे तक चली जाएगी क्या? मोनी बाबा की गुफा तक? अरे वाह, तो आराम आराम से चले जाएंगे। हाँ ये तो हैवी है, तो चली जाएगी ये गबरू।
एक बार मैंने क्या किया, लंगूर को इनकी आदत होती है ना हाथ पकड़ने की, तो मैंने इसने हाथ पकड़ लिया, मैं डर गया तो मैंने हाथ पीछे खींच लिया जो रखा था उस सहित, तो फिर दांत दिखा दी। कभी भी हाथ पास में मत खींचना, कभी नहीं खींचना ना, अपने आप छोड़ देंगे खाके। हाथ को आगे रखे हाँ, और तुम करो आगे पीछे को हाँ, वो काट भी सकता है, नो भी चुक नोच भी सकता है। ये इनका राजा होगा, सबसे बड़ा यही होगा, सबसे पहले इसको चाहिए खाने को, किसी की हिम्मत नहीं होगी अगर इसे नहीं मिला। आज मंगल है ना, मंगल भी चलने के लिए आते हैं सारे। अच्छा आज मंगल है। तो भाई ये है असली राजा जी नेशनल पार्क का मजा, सबसे कोर फॉरेस्ट, बेस्ट जंगल, मिक्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। पतझर चल रहा है, मेरे पीछे इनका लीडर बैठा है, सबसे बड़ा लंगूर, और ये वेट कर रहा है कि मुझे कुछ मिले। मेरे पास बिस्कुट तो है पार्ले जी का, पर मेरे निकालने की हिम्मत नहीं है। निकालने नहीं देगा, अगर मैं मतलब बैग ऐसा रख के चैन खोलूंगा, हाथ डालूंगा तो वो पहले ही एग्रेसिव हो जाएगा। इससे अच्छा ऐसे ही खड़े रहो। बहुत शानदार, ये पेड़ शायद उसका है ना शीशम, कंजू काफड़ी, पापड़ी, ये वाले पेड़ को मुझे लगा शीशम का है। अच्छा शीशम नहीं है, यहाँ तो नीम भी नहीं है। नीम है, कम है। अच्छा सबसे ज्यादा पेड़ किस चीज के है यहाँ पे भाई जी? अब तो यही कंजू के पेड़ सबसे ज्यादा। अच्छा यही वाले कंजू के, यही तो खूबसूरती है यहाँ की। हम देहरादून में रहते हैं, वहाँ पे पता है क्या साल के पेड़ है बस। साल नहीं है यहाँ, बहुत कम है। ये क्या बोल रहा है? ना ना वो तो है वुड पैकर जो होती है, चिड़िया है उड़ने वाली। इधर से भी एक कुछ आवाज आई अलग तरह की, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। लंगूर देखो ये डर ही नहीं रहा। इधर आ बच्चा, ये चाबी है, चाबी ना लेके भाग जाइयो। डरते ना ये तुमसे, ये इतने तुम मारते ना होंगे, इन्हें बड़ा डराते होंगे बस। मार के काट लेना यार, तुमका घर है। तेरे को मिला कुछ है? तेरे को मिला कुछ? हाँ ये बाबा जो है हमारा नाक पक्का है। कौन से? ये मोनी बाबा सुनदास जिसके पास जा रहा है। अच्छा अच्छा, ये बागपत के हैं। वैसे बताऊं इधर बाबा सारे हरियाणा और हमारे उधर के ही है ना, दिल्ली के हैं। आज भी वीडियो डाली थी ना उन्होंने यूट्यूब पे, तो रो रहे थे, रोए बहुत थे, तो कह रहे थे आज मेरा आखिरी वो है मैसेज, शायद मैं ना बचूं, चार दिन हो गए। उनकी बीवी कह रही है कि पागल हो रहे क्या, ऐसी वीडियो की बना रहे हो। हॉर्नबिल जा रहा है, सब कुछ ही देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो थोड़ी थोड़ी देर में ही। एक्चुअली हॉर्नबिल को बोलते हैं घनचिरिया, और कमी नहीं है यहाँ पे भाई फ्लोरा फौना की, फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, मजा आ गया। हॉर्नबिल अभी शांत हो गया है, वहां पे बैठे हुए हैं दोनों, बोल रहे थे अभी। ये जो लंगूर है ये पूरा गैंग है इनका, इस पेड़ पे उस पेड़ पे, किसी और ग्रुप की एंट्री नहीं है इस एरिया में, इनकी पूरी टेरिटरी है यहाँ पे, और अगर कोई आ भी जाए तो उनको खदेड़ने में ये कुछ सेकंड लगाते हैं बस। ये देखो कितने मस्त लंगूर है, इतने मस्त लंगूर मैंने आज तक नहीं देखे, वरना लंगूर तो दूर ही भाग जाते हैं। शांत बिल्कुल, वाओ अमेजिंग। इसके नीचे तो खड़ा होना समझदारी, क्योंकि टॉयलेट भी कर देते हैं कभी कभी, मोर कभी हॉर्नबिल, और इन लंगूरों की अटखेलियां। खेलो खेलो खेलो, फिर से मांगना शुरू कर दिया। जैसे ही खेल में से ध्यान हटा, फिर उसने दूसरे ने दोबारा से लगा दिया खेल में
साढ़े बारह बजे फाइनली मैं वहाँ से निकला जहाँ पे खड़ा हुआ था, और ये ऊपर वाली रोड है जो ऊपर से आ रही है ना, सीधा बैराज पे जा रही है, ये रोड मुझे मिल गई है थोड़ा सा 100 मीटर चलते ही, और यहीं से ही डायरेक्ट ही ये क्रॉस हो रहा रास्ता नीलकंठ और मोनी बाबा की गुफा के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि आप अपनी बाइक लेके चले जाओ, नो प्रॉब्लम, तो मैं बाइक लेके मोनी बाबा की गुफा तक जाता हूँ। तो फाइनली ऐसे स्पॉट पे पहुँच गया हूँ, पता भी नहीं चला, सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव थी कि ये मोनी बाबा की गुफा आ गई है, और बाइक और स्कूटी बस यहीं तक ही जा सकती है। ये भोले आए हुए हैं और ये नीलकंठ ट्रैक कर रहे हैं पूरा ग्रुप, चलिए चलते हैं। ये भैया अपनी एक्टिवा में आए थे, दो थे तो भैया, एक भैया को मैंने बुलेट पे बैठा लिया था। तो यहाँ पर ये चट्टान है और शायद इसी के अंदर गुफा है जिसको बोलते हैं मोनी बाबा की गुफा, इसकी परिक्रमा करते हैं।